अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। पेट्रोल की कीमत 127 रुपए फी लीटर, डॉलर 172 पे है। एलपीजी की प्राइसेस बढ़ गई हैं और हम लीटर पेट्रोल पर 33 रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि महंगाई हो गई है और बेरोजगारी है इस मुल्क में। लेकिन ये हम कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब सादिक और अमीन हैं और कोई करप्शन नहीं है और हम जो हैं बुलंद तरीन महंगाई के ऊपर नहीं हैं, बल्कि हम तो साउथ एशिया में सबसे पीछे हैं प्राइस रेज करने में। और अभी भी हमें शुक्र करना चाहिए क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा कीमत है पेट्रोल की। जी, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त साकिब निसार साहब, जिन्होंने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था इमरान खान साहब को। सवाल यह है कि क्या यह जो सादिक और अमीन है यह ता हयात का लाइसेंस होता है या इसका रिन्यूअल हर साल जरूरी होता है, क्योंकि 3 साल तो हो गए और अगर करप्शन नहीं है, ना अहली नहीं है, तो महंगाई क्यों है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कल जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था जिसपे उन्होंने कहा था एक तुर्की इंटरव्यू में कि अब बिला तफरीक तालिबान से बातचीत हो रही है, कुछ फैक्शन हैं जिनसे बातचीत चल रही है और माफी का ऐलान भी हो जाएगा एंड दे कैन बिकम रेगुलर सिटीजन। इसके ऊपर एक बैकलैश आया है विद इन द कंट्री, मुख्तदर हल्के खुश नहीं नजर आते और बहुत सारे लोग समझते हैं कि खान साहब ने स्टेटमेंट गलत दी है। लेकिन अभी एक और हमारी मुसीबत आने वाली है, वो ये है कि अमरीका जो है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि अफगान तालिबान को तस्लीम करे और वो बहुत मोहतात नजर आ रहे हैं, अब हमारे पास जब से ये टेक ओवर हुआ है अफगान तालिबान का, ये एक तीसरी मुलाकात होगी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जिसमें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की नंबर 2 पाकिस्तान विजिट करेंगी और वो इंडिया जाएंगी, फिर वो पाकिस्तान आएंगी 7-8 अक्टूबर को। डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वेंडी शर्मन, पहली मुलाकात CIA चीफ ने की थी बिल बर्न्स ने विद जनरल बाजवा एंड जनरल फैज 9 सितंबर को। फिर 26 सितंबर को मुलाकात हुई थी फॉरन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से, और अब ये तीसरी हमारी मुलाकात होगी बाज़ाब्ता तौर पर। लेकिन बाइडन साहब अभी भी मिस्ड कॉल तक इमरान खान साहब को नहीं दे रहे, लेकिन खान साहब इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो समझते हैं कि उनको मीडिया प्रेशर है एंड ही अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन। लेकिन मुख्तदर हल्के जो मर्जी कह रहे हो, लेकिन वजीर दाखिला साहब ने खान साहब को कैसे डिफेंड किया वो भी आपको बताते हैं। और हम बात इस आज प्रोग्राम में ये भी करेंगे कि अपोजिशन किस मर्ज की दवा है, क्या नैब ने इसे होम्योपैथिक कर दिया है या कोई रूम है इनका कुछ इलाज करने का, इस पर भी बात करेंगे। पहले शेख रशीद साहब को सुनते हैं जी, आज उन्होंने किस किस हद तक डिफेंड किया और समझौता एक्सप्रेस का भी जिक्र किया जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल पड़ी है। जी, जो आदमी हथियार फेंक दे उससे लड़ना जायज नहीं है। APS के बच्चों को शहीद किया, उनका केस अलग है। वो लोग जो नकले मकानी करके चले गए, उनका केस अलग है। कोई अपोजिशन से इतमाद की जरूरत नहीं है, वो खुद केसेस में है और ये लितर भी खाते हैं और प्याज भी खाते हैं और फिर समझौता एक्सप्रेस वे भी चढ़ते हैं। नून लीग कुएं के मेंढक हैं, लड़ाई समुंदर में होने जा रही है। पीपल्स पार्टी समझौता एक्सप्रेस पे चढ़ गई है, समझदार है, ये लितर भी खाएंगे और समझौता एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे। जी, हमारे बहुत ही जाने माने एनालिस्ट हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, अफगान उमूर के एक्सपर्ट हैं एहसान टिपू साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मज़र अब्बास साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आप इनके तजिये सुनते रहते होंगे, बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलते हैं। और मोहसिन बेग साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं शुरू करती हूँ मज़र अब्बास साहब आपसे, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो दे दिया अब खान साहब ने, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है या उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि यहाँ तो जमहूरियत नाम की ही रह गई है। आप क्या कहेंगे कि ये, आपको क्या लगता है कि इज पॉसिबल कि ये, क्योंकि अफगानिस्तान अफगान तालिबान कोई सालसी का किरदार अदा नहीं कर रहे, ये तो एक गलत खबर है, क्योंकि खान साहब ने तो खुद कहा है कि अफगानिस्तान में सिर्फ बात हो रही है, इसका मतलब दैट्स द ओनली इन्फ्लुएंस जो अफगान तालिबान की इस वक्त है। तो ये गुड और बैड का जो एक कंफ्यूजन है, उस पर भी अगर आप बात कर दें, और ये कोई रियल टाइम में आपको नजर आता है, क्योंकि 37 अटैक तालिबान कर चुकी है पाकिस्तानी फोर्सेस पर। वो सोचना चाहिए था, वो बहुत बेसिक सी बात सोचनी चाहिए थी कि अगर फर्ज करें मुज़ाकरात हो भी रहे हैं तो क्या इस स्टेज पर उनको ये बात करनी चाहिए थी, वो भी एक इंटरनेशनल जो है वो टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए। आपको नहीं पता, देखिए जब आप ये कहते हैं ना कि कुछ ग्रुप से बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ ग्रुप्स हैं जिनसे आप बात नहीं करना चाहते या बात नहीं हो रही, तो आप अगेन वो जो एक परसेप्शन है उसको डेवलप कर रहे हैं, एक नैरेटिव है उसको डेवलप करें बैड और गुड का। और यही, और दूसरी बात जो इसमें जब सबसे मुझे जो डेंजरस वो लगा, वो ये लगा कि आज से कुछ अरसे पहले तक अफगान तालिबान ये कह रहे थे कि हमारा TTP से कोई ताल्लुक नहीं है और पाकिस्तान भी यही बात कह रहा था। अब अफगानिस्तान में, और ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, हो अफगानिस्तान में रहे हैं
और अफगानिस्तान में हो रहे हैं, और अफगान तालिबान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अब सालिसी का किरदार कौन अदा करता है? सालिसी का किरदार वो अदा करता है कि जिस पे दोनों फरीक मुत्तफिक हो। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो शुरू से ये कह रहे हैं कि हम अफगान तालिबान को मानते हैं, उनको उनके अमीर को हम मानते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं। पाकिस्तान इसको डिनाई करता रहा है। जो वजीर आजम ने इंटरव्यू दिया उससे ये तासर उभरा है कि ना सिर्फ ये कि TTP जो है वो अब एक ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं, जो भी हैं वो अफगान तालिबान के जेर असर हैं, अफगान तालिबान ही उनसे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तान को हेल्प आउट करने की कोशिश करें उनके बकौल। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज इंटरनेशनली क्या हो सकते हैं, आप कि वो किस तरीके से देख रहे होंगे? वो अगेन पाकिस्तान को उसी तरीके से देख रहे होंगे, क्योंकि हम बहुत प्रोएक्टिव तरीके से बात कर रहे हैं, हम बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से इस तरीके ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अफगान तालिबान के स्पोक्समैन हैं, हम अफगान तालिबान का केस दुनिया में प्लीट कर रहे हैं। अब ये बड़ी डेंजरस लाइन है, क्योंकि दुनिया तो नहीं एक्सेप्ट कर रही, इवन इस्लामिक कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो हम मुसलसल क्यों जोर दिए जा रहे हैं? इसके बजाय अगर हम अफगानिस्तान की अगर हमें मदद करनी है तो हम डोनर से बात करें, हम ह्यूमन राइट्स इशू से बात करें, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनकी मदद करने की बात करें। वहां जो क्राइसिस खड़ा होगा उसका जाहिर है हमें भी असर, हमारे ऊपर भी असर आएगा। इन चीजों की तरफ हमें फोकस करना चाहिए, और वो भी डिप्लोमेटिकली, तो पब्लिक इंटरव्यूज में नहीं, इस तरीके के पब्लिक बयान में नहीं, इस तरह की चीजें इतने इस तरीके के फोरम पे नहीं की जाती। लेकिन उन्होंने कर दी है ये बात, अब कैट इज आउट ऑफ द बैग, हमें नहीं पता कि उसके और फिर सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, पहले जब तहरीक तालिबान से मुजाकरात हुए थे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में, जब शिमाली वजीरिस्तान के ऑपरेशन से पहले, तो उस वक्त बाकायदा ये बात हुई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को इत्मीनान में लिया गया, रिलीजियस पार्टीज को इत्मीनान में लिया गया। और उस वक्त मुझे याद है गालबन चौधरी निसार ने ये बात की थी मुझसे जाती तौर पर, उन्होंने बताया था कि बाकायदा जनरल राहिल शरीफ जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, ही टोल्ड नवाज शरीफ कि देखिए इमरान खान, क्योंकि हम एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, इमरान खान इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं, आप इमरान खान से जाके मिलें और उनसे कहें कि अगर वो इस ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते तो अपोज भी ना करें, एक न्यूट्रल स्टांस लें, क्योंकि एक कंसेंसस बनाना चाह रहे थे वो। अल्टीमेटली जब APS हुआ तो उसके बाद बन गया, लेकिन उससे पहले इमरान खान की पोजीशन मुख्तलिफ थी। तो मेरा ख्याल है आज जो सूरत हाल है उसमें एक प्राइम मिनिस्टर डिस्क्लोज कर रहा है पहली मर्तबा, जिसको अब पूरी पार्लियामेंट को नहीं पता, किसी को नहीं पता, हमें ये पता है कि कुछ ग्रुप से बातचीत हो रही, कौन से ग्रुप से बातचीत हो रही है ना इसका पता है हमें, और क्या बातचीत हो रही है ना इसका पता है। ठीक है मोहसिन बेग साहब, एक रिएक्शन तो आया है विद इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये बात तो पता है कि मुक्तदर हल्के इस स्टेटमेंट से खुश नहीं हैं, और जाहिर है अगर टॉक्स हो रही हैं तो देर आर की प्लेयर्स इन ये वाली गुफ्तगू में, तो आप क्या समझते हैं इंटरनेशनल प्रेशर किस तरह से आएगा, और ये स्टेटमेंट अगर गैर जिम्मेदारी पर मबनी नहीं है और एतमाद में हमने खान साहब ने किसी को लेना भी नहीं है, तो ये मेरी मर्जी पर चलेगा जी ये मुल्क और इसकी पॉलिसीज? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली ये बात शुरू हुई, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने सबसे पहले ये बात की कि हम आम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस स्टेटमेंट दी, लेकिन उनके स्टेटमेंट आने के बाद तरीके तालिबान ने जवाबन ये कहा कि आम माफ़ी का ऐलान हम आपके लिए करेंगे, हमें आपकी आम माफ़ी नहीं चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये इंटरव्यू में बात की तो नेचुरली मैं ये समझता हूँ कि प्री मिच्योर ये बात कर दी गई, हो सकता है कोई डायलॉग चल रहे हो, और आज से 20 दिन 25 दिन पहले काबुल में TTP के जो मौजूदा लीडर हैं उनकी फोटोग्राफ तालिबान के साथ वहाँ से काबुल से आई। तो देखिए मकसद ये है कि अगर तालिबान हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये निगोशिएट कर रहे हैं TTP के साथ या कोई मुजाकरात की बात कर रहे हैं, तो देखना यह है कि हम तालिबान की जो TTP की जो लीडरशिप है वो तो काबुल में बैठी हुई है, और आपने अगर कोई मुजाकरात की बात शुरू भी की है मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है, जो जख्म उन्होंने पाकिस्तानियों को दिए और जो डैमेज उन्होंने हमारी रियासत के साथ किया
उस लिहाज से अगर देखा जाए तो माफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने 80,000 लोग मरे, हमारी आर्म फोर्सेस पे अटैक हुए, हमारी स्ट्रेटजिक एसेट्स पे अटैक हुए बेशुमार, और अभी भी आज इन्होंने कल एक फरमाइशी खबर छपवाई है कि जी सीज फायर, वो एक ग्रुप है वो गुल मोहम्मद का, उसने कहा, लेकिन आज भी वजीरिस्तान पे अटैक हुआ आर्मी हमारी सिक्योरिटी अदारों पे। तो देखना यह कि आपने बात तो कर दी है, इसके पीछे सब्सटेंस क्या है। अगर आपने कोई होमवर्क कर लिया था तो आप सारी चीजें करने के बाद पार्लियामेंट को, सियासी लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी को, फिर आवाम को एतमाद में लेते। लोगों के बहुत ज्यादा कंसर्न है इसकी इशू पे, और ये कोई इशू इतना इजी नहीं है कि आप एक इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में जहां फंस भी गए, क्योंकि उसके काउंटर सवाल पे आप फंस गए। तो मकसद ये है कि आपने प्री मेच्योर ये चीज कर दी है। अगर बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम बेग साहब, ये पहली दफा तो नहीं हुआ है, ये पहली दफा तो नहीं है, मतलब कुछ से बहुत ज्यादा कह देते हैं खान साहब। मतलब ईरान में भी हमने देखा और भी ममालिक में जब वो जाते हैं, मतलब थोड़ी बात करने की जगह वो पूरी बात जो खोल के रख देते हैं। ये एक प्रॉब्लम नहीं है हमारी फॉरन पॉलिसी के लिए लॉन्गर रन में? देखिए, इस वक्त फॉरेन पॉलिसी तो आपकी बिल्कुल ज़ीरो, और मैं कह सकता हूं कि माइनस में है, क्योंकि जहां जिन ममालिक के साथ हमारे रिलेशनशिप सदियों से अच्छे थे, हमने वो भी बिगाड़ दिए। और खान साहब की प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर ब्रीफ नहीं लेते। देखिए, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज डिफरेंट है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स डिफरेंट है, ये समझते हैं कि मेरी या ना इन सारे चीज़ों से बालातर है, हालांकि ये 22 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि अपने आप को। तो इनको ख्याल करना चाहिए कि यू रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, और पीछे उसके 22 करोड़ लोग हैं। अगर खुदा न खास्ता जैसे अमेरिका के साथ या यूएई के साथ हालात खराब किए, सऊदी अरब के साथ हालात खराब किए, तो उसमें जो डैमेज है वो हम लोगों ने भुगतना है और इस मुल्क ने भुगतना है, खाली खान साहब ने नहीं भुगतना, उनका तो माशाल्लाह कोई कारोबार भी नहीं है। तो मकसद ये है कि आप जब एज ए कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट माइंडसेट है, ठीक। तो आपको उसको मद्देनजर रख के गुफ्तगू करनी। आपने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, सारे पीटीआई वालों ने शोर मचा दिया, बड़ी बात है, आप उसका खमियाजा भुगतेंगे और अभी तक हम भुगत रहे हैं। तो मकसद ये है कि कोई बड़क मारने की जरूरत नहीं है, ना तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने वो हैं। चले, ओके, लेट मी जस्ट गो टू एहसान साहब क्विकली। एहसान साहब, हम जो बात करनी है वो करें, ठीक है। एहसान साहब, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि जो मजहर अब्बास साहब ने पॉइंट आउट किया था कि हम क्यों अफगानिस्तान का या अफगान तालिबान का केस प्लीड कर रहे हैं, जब वो हमें या आपने तालिबान को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोक नहीं सकती। आज एक और अटैक हो गया वजीरिस्तान में, 37 अटैक का तो वो ले रहे हैं। एहसान उल्ला एहसान साहब तो बुलंद बांग कह रहे हैं कि मलाला पे गोली चलाने पर भी उनको कोई मसला नहीं है और ना ही उनको कोई निदामत है। तो इस सूरत हाल में ये क्या होने जा रहा है? व्हाट आर योर रिसोर्सेज सेइंग अफगानिस्तान में? हाँ बिल्कुल सना, वो मजहर अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान को चाहिए, और स्पेशली जो सीनियर लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर लेवल के, वो चाहिए, उनको चाहिए कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पे तालिबान के तर्जुमान ना बने। अब जिस तरह उन्होंने यूएन से जो इमरान खान ने स्पीच की, तो वहाँ पे भी यानी उन्होंने पूरी वो जो तकरीर की अफगानिस्तान के वाले से, तो उनकी यानी ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा था कि तालिबान को जिस जो भी है उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एड भी मिलनी चाहिए, और इस हवाले से यानी पाकिस्तान को कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। यानी जहाँ तक मेरी इतलात है, चाइना शुरू में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो भी अब साइड पर हो गया है, और ऊपर से ताजिकिस्तान जो है उनकी तरफ से बहुत सख्त रिएक्शन तालिबान के हवाले से कि गवर्नमेंट इंक्लूसिव नहीं है, तो उनकी तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है, रशिया की तरफ से भी तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने यानी जिस तरह 90s में हमने किया था कि अकेले हमने तालिबान को पहले तस्लीम किया, फिर यूएई और सऊदी अरेबिया से भी करवाया, और फिर पूरा ब्लेम पाकिस्तान पे लगा, तो इस दफा भी मुझे लग रहा है कि हमारी जो लीडरशिप है वो दोबारा वही चीज रिपीट करने जा रही है। और जिस तरह आपने शुरू में बात की, वो कल जो इंटरव्यू में खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने बात की, तो कल के इंटरव्यू में मुझे खान साहब वज़ीर-ए-आज़म कम और एक सहाफ़ी ज़्यादा लगे। जिस तरह एक सहाफ़ी को बड़ी खबर मिलती है तो उनकी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से ब्रेक करूं और मुझे मीडिया अटेंशन भी मिले और मुझे क्रेडिट भी मिले, तो कल उन्होंने यानी नतायज देख के बगैर खान साहब ने वो चीज़ मीडिया पे बोल दी। अब उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम देख रहे हैं कि TTP की तरफ से फौरन एक स्टेटमेंट भी आया कि हम नसीज फायर कर रहे हैं और इस हवाले से हमें कोई अप्रोच भी नहीं किया गया। और आज उनकी तरफ से एक बड़ा हमला भी हुआ है जिसमें 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में।
तो ये चीजें उन्होंने और मजीद कॉम्प्लिकेट किया। हालांकि ये जो पीस प्रोसेस था या टॉक्स जो हो रही थी, तो एक महीने से, यानी मुझे खुद भी इस चीज का पता था, इनका इंफॉर्मेशन थी कि ये मुजाकरात किसी लेवल पे हो रहे हैं, रबते हो रहे हैं दोनों तरफ से, और अफगान तालिबान बीच में मीडिएट भी कर रहे हैं। लेकिन और स्ट्रिक्टली हमें कहा भी जाता था पाकिस्तानी सीनियर ऑफिशल्स की तरफ से कि इस चीज़ को ओपन नहीं करना, क्योंकि अभी प्री मेच्योर होगा, अभी चीज़ें जो है वो मेच्योर हो ही नहीं है। लेकिन खान साहब ने कल इंटरव्यू में जो पूरी चीज़ें वो दुनिया को बता दी, तो मुझे लग रहा है कि इनके जो आपको इसीलिए रोका गया था कि आपने नहीं ये ब्रेक करनी थी, वो खान साहब ने ब्रेक करनी थी ये स्टोरी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त अफगान तालिबान का रिएक्शन, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो ये हमला किया है और ये इसको मान भी रहे हैं, तो अफगान तालिबान का क्या रिएक्शन है? क्योंकि अमेरिका से प्रेशर तो आएगा पाकिस्तान पर, और ये अभी भी कहा जा रहा है कि लड़कियों को स्कूल भेजिए। पाकिस्तान की जिम्मेदारी कैसे है कि वो अफगान तालिबान को करवा ले कुछ? क्या पाकिस्तान के पाकिस्तान की ऐसी पावर है टू वील्ड पावर ओवर अफगान तालिबान? नहीं नहीं, जो डिमांड वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से या बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं उनकी तरफ से जो डिमांड के वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वहाँ पे ख्वातीन के हकूक या वहाँ पे बच्चों का स्कूल जाना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि तालिबान इस पे एग्री कर पाएंगे। पाकिस्तान अगर डिमांड भी कर लें या कोई प्रेशर डालने के, तो अब उस पोजिशन में मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान अब है। और तालिबान भी इस हवाले से, उनकी अपनी एक स्ट्रिक आइडियोलॉजी रही है हमेशा से, और वो चीज़ हमें ग्राउंड पे नज़र भी आ रही है। और सिर्फ यानी अब हम यहाँ पे एक इशू है मीडिया के साथ कि हम काबुल में चीज़ों को देखते हैं, लेकिन काबुल से जब आप बाहर निकलें कंदहार की तरफ, हिलमंद की तरफ, ईस्टर्न अफगानिस्तान की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो प्रोविंशियल लेवल पे चीज़ें बिल्कुल वही हो रही हैं जो 90s में होती थी। वहाँ पे वही सजाएं भी लोगों को मिल रही हैं, लोगों के घरों में भी ये लोग जा रहे हैं वहाँ से, यानी उन पे के उनकी प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ग्राउंड पर हो रही है और पूरी इंटरनेशनल दुनिया उसको देख भी रही है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ज़्यादा वो यानी एक ब्रांड एम्बेसडर ना बने अफगान तालिबान का, बल्कि जितना हो सके अगर करना भी है अपने वहाँ पे पाकिस्तान के डेफिनेटली कंसर्न्स होने चाहिए रिफ्यूजीज के हवाले से, या ये नो कि दोबारा से अफगानिस्तान टेररिज्म। ठीक है, आप कह रहे हैं वी शुड गो बैक टू द 90s जहां पे पाकिस्तान वाज स्टक इन अ हार्ड प्लेस। ठीक है, यहाँ पे एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। अफगानिस्तान की तो बात हो ही रही है, लेकिन ऑपोजिशन का किरदार इस वक्त हुकूमत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, जिस तरह से मैंने पहले कहा, और ये जो सादिक और अमीन हैं हमारे वजीर आजम, ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा हमारी पॉवर्टी रेट में या हमारी और चीज़ों में बेहतरी क्यों नहीं आ रही, इस पर बात करते हैं इस वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हम बात करें अफगानिस्तान से, अफगान तालिबान के जरिए से जो हम बात करें तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, जो हमें इस वक्त वर्ल्ड प्रेशर आ रहा है, अमरीकी US डेप्यूटी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे मुल्क में आ रही हैं, इस सारी चीज़ों का असर कैसे होगा? जी हमारे साथ मौजूद है मोहसिन बेग साहब, मज़हर अब्बास साहब और एहसान टिपू साहब। एहसान टिपू साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ, क्योंकि एक तो ये हाफिज गुल बहादुर वाला जो फैक्शन है, इसका क्या ताल्लुक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, और इसमें हक्कानीज का क्या रोल है, ज़रा ये समझा दीजिएगा ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन बात करने को तैयार है और वो कितनी पावर रखते हैं वो। हाफिज गुल बहादुर फैक्शन जो है, इसको शुरा मुजाहिदीन के नाम से भी याद, यानी वहाँ पे जाना जाता है लोकली नॉर्थ वजीरस्तान में, तो इनका जो है वो सिर्फ नॉर्थ वजीरस्तान में इनकी प्रेजेंस है, और फिर अफगानिस्तान में खोस का जो एरिया है वहाँ पे भी इनके हैं जंगजू वगैरह, उनकी बेसिस हैं, और ये हमेशा से जो हकानी नेटवर्क के सरबराह हैं सराजुद्दीन हकानी, इनके बड़े करीब रहे हैं, और बल्कि दोनों ने अफगानिस्तान में भी अमेरिकन के खिलाफ या जो अफगान नेशनल आर्मी हुआ करती थी उनके खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशंस भी किए हैं। लेकिन इनका TTP के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, TTP बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट वो ऑपरेट करती है, उनका अलग एक अमीर है, उनकी अपनी एक शूरा है, और हाफिज गुल बहादुर जो फैक्शन जो है वो बिल्कुल अलग है। और कल जिस तरह PM के स्टेटमेंट के बाद वहाँ से फिर सीज़ फायर की भी अनाउंसमेंट आई गुल बहादुर की तरफ से कि 20 दिनों तक हम सीज़ फायर की वो कर रहे हैं, और लेकिन जब तक TTP इन्वॉल्व ना हो पीस टॉक्स में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, या पाकिस्तान में या स्पेशली जो कबायली इलाका है जो कि पिछले एक साल से वहाँ पे तकरीबन हर दूसरे दिन TTP की तरफ से हमले हो रहे हैं, उसमें कोई कमी आ सकती है। तो सबसे ज़रूरी है मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, वो लोकली भी अब लोगों की तरफ से मुतालबा आ रहा है जो ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं वहाँ पे, लेकिन ये हो कि उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, उसमें अब जिस तरह हमने शुरू में बात की कि अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं
जो सियासी लीडरशिप है या फिर मिलिट्री भी है, और फिर सबसे जरूरी है कि जो ट्राइबल इलाके के जो लोग हैं वहां पे जो जिरगे हैं उनको भी एतमाद में लेना चाहिए। ठीक है, ये ग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, ग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा है, सही है, ओके, मैं आपकी बात समझ गई। ठीक है मजर अब्बास साहब, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए एक हम वर्ल्ड आइसोलेशन में तो हम नहीं जा सकते, हम आइसोलेट तो नहीं हो सकते, ना हम अमेरिका को खैरबाद कह सकते हैं, ना हम बाइडन की इस वक्त अनफेवरेबल पोजिशन में आना चाहते हैं उसके साथ, अमरीका के साथ भी हम ऐसे कोई चीज नहीं कर सकते, लेकिन चीन भी हमारे साथ है इस मामले पर। ये कैसे जा रहा है, मतलब आपको अदरवाइज कैसे नजर आ रही है डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारी, कैसे डेवलप होंगी या डिसइंटीग्रेट होंगी? देखिए हम बड़े बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। एक तो ये कि मुसलसल अटैक्स से एक चीज़ दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हमने ये दावा किया था कि हमने ऑपरेशन में इन सारे ग्रुप्स को क्रश कर दिया है, क्या ये रिवाइवल हो रहा है, और रिवाइवल हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, और ये सिर्फ शुमाली बलूचिस्तान और उसके एडजेसेंट एरियाज का मामला नहीं है, सिचुएशन बलूचिस्तान में भी उतनी ही एक्सप्लोसिव है, गो के अभी उस तरह के वाकयात नहीं हुए, लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि हम किसी को आम माफ़ी देने की बात करते हैं, किसी के साथ मुज़ाकरात करने का दावा करते हैं, तो फिर जाहिर है अब ये विद इन TTP रिएक्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं पता कि जो जिम्मेदारी कबूल करता है उसने वाकई ये वाकया किया भी है या नहीं किया है, तो हमें दोबारा इस पूरी पूरे एक्शंस को, नेशनल एक्शन प्लान को रिविजिट करने की जरूरत है, एक मरतबा एक नई सोच डेवलप करने की जरूरत है। दूसरी, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान जिस तरीके से अब US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रही है तो जाहिर है ये सॉफ्ट टॉक्स नहीं होंगी, मोस्ट प्रॉब्ली ये हार्ड टॉक्स होंगी। हार्ड टॉक्स शायद हमारी तरफ से भी बहुत सी बातें की जाए कि पाकिस्तान की इतनी कुर्बानियों का सिला ये मिल रहा है कि वहां ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान नॉट अफगानिस्तान इज द प्रॉब्लम, जब इस तरह की बात होगी तो फिर सिचुएशन जो है वो जाहिर है हार्ड टॉक्स होगी, सॉफ्ट टॉक्स नहीं होंगी। ये हमें देखना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, इस वक्त हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, हमें ये तलाश करना है कि क्यों दुनिया का कोई एक मुल्क भी अफगान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं कर रहा, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह हमें नजर आ रही है, दोहा मुज़ाकरात की नॉन इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है, ऑल ऑफ अ सडन क्या दुनिया के बेशतर ममालिक स्टिल इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ऑल ऑफ अ सडन अशरफ गनी की हुकूमत देखते ही देखते गायब हो गई, पता ही नहीं चला, इतने 20 साल लगाए और अफगानिस्तान पता चला कि एट द एंड ऑफ द डे। फिर सबसे पहले अमेरिकन को खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, UN आज तक UN ने, क्योंकि ये सारी फोर्सेस UN के सैंक्शन के साथ गई थी, तो दुनिया को ये रिकग्नाइज, UN को मेरा ख्याल है फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने की जरूरत है 20 साल के फेलियर्स पे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बाद आप इस आज भी अफगानिस्तान वही का वही खड़ा है, और उसके इन 20 सालों में इराक तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, ये 20 साल का जो निचोड़ है, यूनाइटेड नेशन को अपनी फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए कि इन 20 सालों में कहां फेलियर्स हुए हैं, कहां सक्सेस हुई है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सिचुएशन को, पाकिस्तान पे आप जरूर तनकीद करें लेकिन पाकिस्तान की सैक्रिफाइसेस, पाकिस्तान ने जो लड़ाई लड़ी है, और ये बात डिबेट है, लेकिन पाकिस्तान की सैक्रिफाइसेस पर हम तब बात करेंगे ना जब पाकिस्तान उन सैक्रिफाइस को रिकॉग्नाइज करे, जब हम खुद उनको इस तरह से मतलब इतना सस्ता समझेंगे कि जानी जाने इतनी सस्ती थी कि हमने उनको माफ कर देते हैं, हम उनको आम सिटीजन मान लेते हैं जैसे हथियार फेंकें, तो मजहर साहब ये भी तो एक बात है ना कि वर्ल्ड को भी तो बताने के लिए हमें भी तो मतलब उनकी इज्जत करनी चाहिए ना। मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये इतना डिफिकल्ट, आप इतनी जल्दी ये फैसला कर लिया हमने कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फियर फैक्टर है कि जी TTP इतनी मजबूत हो गई है, इतनी ऑर्गेनाइज हो गई है कि हम फौरी तौर पे मुज़ाकरात में चले गए उनके साथ। ठीक है बेग साहब, ये खौफ है, ठीक है बेग साहब, ये खौफ है, आपको लगता है कि हमारी तरफ से ठीक है मिलिट्री सोल्यूशन इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन, वो तो अमेरिका ने हमें दिखाई दिया है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एकदम से बिल्कुल घुटने टेक के मुज़ाकरात की बात कर लेना और कहना कि हम आपको सिटीजन मान लेंगे, उसके बाद जिस तरह से हमारे जो TTP की पूरी लीडरशिप है जिस तरह हमारे पास थी और अब वो अफगानिस्तान में मौजूद है, और मतलब अब जो टॉक्स हेड कर चुके हैं दोहा में बड़े बड़े, मतलब आपको पता है कि कितने कितने उन्होंने सानेह इस मुल्क पर ढाए हैं, तो आप क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है, कैसे होगा ये?
देखिए, जो रियासत है वो स्ट्रेंथ ऑफ पावर से बात करती है, यहाँ ये लग रहा है कि हम वीकनेस से बात कर रहे हैं। हमने खुद ही ये शोशा छेड़ दिया कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से कोई इत्तला नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसको रिजेक्ट भी किया। तो कभी भी कोई भी मुज़ाकरात दुनिया में किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप वीकनेस से बात नहीं करते, आप स्ट्रेंथ से बात करते हैं। रियासत है हमारी, एक बड़ी फौज है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हम यहाँ पे एक सिविल सोसाइटी है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, 22 करोड़ का मुल्क है। तो किसी के ख्वाहिश के ऊपर किसी एक ऐसे सिस्टम को जो कि वो लागू करना चाहें, जो कि मैं समझता हूँ 5-10 हज़ार लोग होंगे 22 करोड़ लोगों पे और इस मुल्क पे, वो सिस्टम नहीं आ सकता। हाँ, अगर वो नहीं माने या उन्होंने अटैक्स किए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास स्ट्रेंथ है कि हम उनको उसका जवाब दे सकें। और ये जो पॉलिसी इस वक्त खान साहब की है, इसमें कोई शक नहीं है, बातों की हद तक ठीक है जी, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, लेकिन चंद चीज़ों का मिलिट्री सोल्यूशन होता है। आपने इतने अटैक्स किए हैं तो क्या हम उनके गले में हार डाल दें? पर हमारे जो ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन राय-ए-रास्त है, ज़र्ब-ए-अज़ब है, उसका हमें क्या मिला? मतलब जिस तरह से मदर साहब ने भी पॉइंट आउट किया, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया एहसान साहब ने, कि मतलब ये तो मतलब रीग्रुप कर रहे हैं ना हमारे खिलाफ, हमने तो उनको खत्म कर दिया था, क्या हुआ वो खत्म करने वाले बात का? देखें, ख़त्म तो नहीं हुए, और ये मैं समझता हूँ कि अगर ये कुछ वक्त गुजरा, ये बहुत ज़्यादा ग्रुप्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे भी होंगे, और ये हमारी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और ये जो शो करना, अगर आप ये डिटेल्स, आपने एकदम इंटरव्यू में बता दिया, लेकिन अगर आप ये डिटेल्स बताते कि किन शरायत पर आप उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला और वो डिमांड है कि जी शरिया नाफिज करें, तो शरिया कैसे नाफिज होगी? ये लोग कोई इस्लाम के ठेकेदार भी नहीं है कि इन्होंने तो हमारे मजहब को पूरी दुनिया में बदनाम किया। तो मजहब इस तरह नहीं है कि जो गन उठाए और अपनी मर्जी का मजहब को इस्तेमाल करे और अपनी ख्वाहिश के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि एक कंसेंसस से बना हुआ है। और ये मुल्क वो नहीं है अफगानिस्तान जैसे आप पाकिस्तान को ट्रीट करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी ख्वाहिश पे हर चीज़ बदल दी जाए। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, और हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, और ख़ासकर जो हुक्मरान हैं और जो मौजूदा हुक्मरान हैं, उनको सोचना चाहिए। इससे पहले भी कमेटीज़ बनी, ये आपको याद होगा, एक कमेटी बनी जिसमें मियाँ आमिर, सॉरी मेजर आमिर थे, यूसुफ जई साहब थे, ये तालिबान से नेगोशिएट करने गए, बड़ा नेगोशिएट, कुछ नहीं हुआ। तो मकसद ये, कितनी बार आप इनसे, सूफी मोहम्मद से भी हमने जो अग्रीमेंट की थी या कोई नेगोशिएशन की थी, वो इट डजंट स्टैंड ना। मतलब आप ये अग्री करेंगे कि फिर मुज़ाकरात किसी बुनियाद पर होने चाहिए? बिल्कुल। और एक बार तो ये हुआ कि वो मायदा करके गए और वापस आकर उन्होंने कहा जी मेरे लोग नहीं मान रहे। तो ये है कि आपने जो भी डायलॉग करना है उसका आप पब्लिक को, अपोजिशन को, पार्लियामेंट को एतमाद में तो लें। ठीक है, आप क्या बात सर, वो तो डिसमिस कर दिया है कि किसी को एतमाद में लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारे करप्ट हैं और सारे जो हैं वो समझौता एक्सप्रेस पे चढ़ जाते हैं। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। एहसान टिपू साहब, आपके लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तक कहेंगे, वापस आएंगे तो हम रहेंगे ऑन इकोनॉमी, क्योंकि अफगानिस्तान की बड़ी फिक्र है, लेकिन पाकिस्तान की फिक्र कौन करेगा? ब्रेक के बाद। जब खान साहब कंटेनर पर थे तो कोई भी प्राइस बढ़ती थी, सिविल नाफरमानी की बात करनी होती थी, तो वो यही कहते थे कि हुक्मरान करप्ट हैं। लेकिन अब महंगाई अगर हो रही है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो क्योंकि हमारे हुक्मरान करप्ट नहीं है, क्योंकि वो तो सादिक और अमीन है, तो ये फिर प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं? इस पर बात कर लेते हैं। जी जी, हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, मोहसिन साहब। जी मोहसिन साहब, मैं आपके पास आऊँगी। ये महंगाई का जो तूफ़ान है, जो जो के उसी तूफान की तरह है, जो शायद सिंध में आना था वो आया नहीं, ये क्योंकि उनके बकौल, पीटीआई के बकौल तो कोई महंगाई है नहीं, आप क्या कहेंगे कि पेट्रोल की प्राइसेस आप देख लीजिए और डॉलर की देख लीजिए? फिर शौकत तरीन साहब कहते हैं जी हमारे पास तो मछली, हम मछली पकड़ने का हुनर सिखा रहे हैं, मछली दे नहीं रहे हाथ में। जी बेसिकली देखें, बातों की हद तक तो खान साहब भी बहुत सी दावे और वादे उन्होंने पहले भी किए, अभी भी करते रहते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हैं। वो तो मुझे लगता है कहीं आसमान पे रहते हैं, उनको अदारक नहीं है कि एक आम पाकिस्तानी की लाइफ जो है वो कितनी इस वक्त मुश्किल में है।
ये जो पेट्रोल की प्राइस है या बाकी कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं, ये तो यकीन कीजिए अगर आपने इकॉनमी इस तरह चलानी है कि आप टैक्सेस और प्राइसेस बढ़ाते रहें तो वो एक आम आदमी है, मेरा ड्राइवर भी कर सकता है। देखना ये है कि आपने मछली पानी में कोई छोड़ी है जो मैं पकड़ लूँगा, कोई बिजनेस ऐसा है जहाँ मुझे जॉब मिल सकती है, कोई कारोबार आपने ऐसा फ्लोरिश करने दिया है या रह गया है जिसमें लोगों को जॉब मिल सके। और जो इन्फ्लेशन इस महीने का अभी मैं पढ़ रहा था वो 9 पे है और टोटल 17 पे है। और जो आपने इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और गैस की जो अभी देखिए गैस फिर बढ़ा रहे हैं, और जंगीतरीन साहब ने उस दिन कहा सर, लेकिन ये सर मैं मजर अब्बास साहब आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगी, ये करप्शन कहेंगे या ना अहली कहेंगे, मतलब एक आम आदमी के लिए ये क्या है, मतलब हुक्मरान करप्ट हैं या ना अहल हैं? मेरे ख्याल महंगाई को अगर हम डिस्कस करें तो टोटली ना अहली होती है। आप चलो बाकी चीजें आपके पेट्रोल की प्राइसेस ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से आप एक्सक्यूज ये दे सकते हैं। ये जो दवाओं की कीमतों में पिछले 3 साल में 300-400% का इजाफा हुआ, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? जिसके बारे में आप खुद पहले ये कह चुके हैं कि इसके खिलाफ आपने इंक्वायरी भी करवाई थी, इंक्वायरी के नतीजे में चीजें क्या हुई सामने आई कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बाद फिर दवाओं की में इजाफा हो गया। तो एक आम आदमी की रीच से दवाएं जो है वो बिल्कुल बाहर होती जा रही हैं। इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उसमें सूरत हाल बहुत संगीन है। ये प्योरली बैड गवर्नेंस की मसाले हैं, बैड गवर्नेंस है, क्योंकि ना आप जो हमारे फूड इंस्पेक्टर्स हैं, काबीना तो मोर और लेस सेम ही है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी मोर और लेस सेम ही है, मतलब ऐसी कोई चीज बदली नहीं है सिवाय खान साहब के, लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली तो नहीं आई। तो क्या ऐसा हो गया है कि इतने नाअहल हो गए इतने 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 टाइम में? इसीलिए तो है, इसीलिए तो इधर उधर से वो करते शिफ्ट करते रहते हैं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है जी, प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव जब ऑपोजिशन में कुछ और होता है, हुकूमत में आने के बाद कुछ और होता है। आप यही आप मीडिया के हवाले से देख लें, जितनी ऑपोजिशन जमाते हैं उनका ऑपोजिशन की जमातों में कोई और बिहेवियर होता है, जब हुकूमत में आते हैं तो ये हमेशा हुकूमत में आके इफ और बट्स शुरू हो जाते हैं। देखिए इस वजह से महंगाई हो गई है, देखिए उस वजह से, और जब ऑपोजिशन में होते हैं तो वो सारी चीजें, पेट्रोल अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो हुक्मरान करप्ट है, ये किसने कहा था? ये आजादी सहाफत की हम बात करते हैं जब ऑपोजिशन में होते हैं, और फिर लेकिन सर हर चीज का जवाब मोहसिन साहब यही आता है कि सादिक और अमीन तो है ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर ईमानदार तो है, चोर तो नहीं है, उन्होंने प्रॉपर्टीज तो नहीं बनाई, एवन फील्ड तो नहीं बना लिया, उन्होंने सारे महल तो नहीं खड़ा कर लिया, तो इसके हवाले से फिर आप क्या कहेंगे, क्या है इसका बैकलैश, मतलब क्या होना चाहिए जवाब इसका? देखिए करप्शन 2-3 किस्म की होती है, एक तो मॉरल करप्शन है, एक फाइनेंशियल है, कैश एंड काइंड में भी बदल जाती है। अभी मैं अगर कोई ऐसी सख्त बात करूंगा तो सुबह देखिएगा का तूफान मचता है। नहीं आप ना कीजिएगा। खान साहब ने जितने दोस्तों से और अपने सपोर्टर और वोटर से जिस तरीके से उन्होंने लाइफस्टाइल गुजारा है उसमें ये जस्टिफाई नहीं करते, और ये कह देना कि जी मैं अगर सादक और अमीन हूँ तो नीचे आज गवर्नमेंट सारी ईमानदार है, आप समझते हैं कि करप्शन खत्म हो गई है? इस वक्त कोई करप्शन नहीं हो रही, इस वक्त सब ईमानदारी से चल रहा है। जितने एडवाइजर्स रखे वो किस चीज पे आपने निकाले? आया उनका केस नैप ने उठाया, आपने बताया कि आपने उनको निकाला क्यों है? ये जो पेट्रोलियम में 2 ऐसे पीएम निकाले आपने, आखिर वो निकाले तो किसी वजह से होंगे ना जी? तो इसी तरीके से बाकी लोग अगर ये कहेंगे जी इनके दौर में कोई करप्शन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि महंगाई के साथ साथ करप्शन का भी रेट बढ़ गया जी, तो मकसद ये है कि ये सारा कुछ आपके दौर पे हो रहा है ना जी। और आप कैप्टन है, आपने टीम बनाई, हमने आपसे पूछना है, टीम से नहीं पूछना। आप कहते थे मैं 6 बंदों से काम चलाऊंगा, माशाल्लाह 60-70 है, काम फिर भी नहीं चल रहा, फिर उनको भी चेंज करते हैं। अच्छा मोहसिन साहब सॉरी, ऑपोजिशन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है ना, ये हुकूमत चलाने का जो मामला है अगर ये फेल भी हो रहा है तो ऑपोजिशन को मतलब कोई ना कोई चीज तो करनी पड़ेगी, और ऑपोजिशन हमारे यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह डिवाइडेड है और किस तरह से समझौता एक्सप्रेस पर चढ़ गई है। पीपल्स पार्टी शेख रशीद साहब कह रहे हैं और कह रहे हैं ये लित्तर भी खाएंगे और समझौता एक्सप्रेस पर भी चढ़ेंगे, इतना डिसमिसिव नैरेटिव है हुकूमत का टुवर्ड्स द ऑपोजिशन, क्या डिजर्व करती है ऑपोजिशन सर? अच्छा हैरानगी है कि शेख रशीद ये कह रहे हैं कि समझौता एक्सप्रेस, मुझे तो लगता है कि वो समझौता एक्सप्रेस के का इंजन वही चला रहे हैं।
इसलिए कि उनसे ज्यादा समझौते किसी ने नहीं किए। और ऐसे ही उस समझौता एक्सप्रेस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर समझौते हर गवर्नमेंट से समझौता करते हैं, तो उनका स्टेटमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन ऑपोजिशन करती नजर नहीं आ रही। वो सिर्फ अगर ऑपोजिशन कर रहे हैं तो एक दूसरे से कर रहे हैं। जितना पीडीएम को तोड़ने में और पीडीएम को डिवाइड करने में ऑपोजिशन का हाथ है, हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया। तो आपने कर लिया ठीक, यानी एक तरफ पीडीएम पीपल्स पार्टी, फिर पीएमएलएन, फिर जो है वो मौलाना फजल रहमान अगेंस्ट पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। तो मेरा ख्याल है हुकूमत से के पास इससे अच्छी ठीक है। मोहसिन साहब लास्ट कमेंट क्योंकि मैं चाहूंगी आप ही इसको फिनिश करने, क्योंकि ये मैं कह रही हूँ ना कि ये जो किस मर्ज की दवा है फिर ऑपोजिशन, अगर इसने ऑपोजिशन भी नहीं करनी, इसने पीडीएम के जरिए हुकूमत को निकालना भी नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं लाना, तो मतलब करना क्या है इन्होंने? इसी तरह चलते रहने देने मुल्क को? देखिए, सारी अपोजिशन इस वक्त डील के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी पहले से डील करके निकल गई, उनके बहुत सारे मसाइल थे जो वो किसी तरीके से बैकडोर चैनल से हल करवाना चाहते थे, काफ़ी हद तक हो गए, लोग ईसीएल से निकल गए, केसेस कराची चले गए। नून लीग जो है वो ज़रा पीछे है, उनके साथ जो मुआहदा हुआ, नवाज शरीफ साहब किस तरीके से गए, अभी जो शहबाज शरीफ साहब जाए, जो सो कॉल्ड मुफाहमत है, मुझे वो समझ नहीं आती। बहरहाल वो उसमें लगे हुए हैं, एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन लेट जाते हैं। तो मकसद ये कि हर बंदा इस डील में है, केसेस बहुत ज्यादा खोल दिए गए। खान साहब अब इस पोजीशन में, यानी कि नैब ने इनको होम्योपैथिक कर दिया है, होम्योपैथिक दवा बना दिया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कर दिया। अच्छा, नैब ने होम्योपैथिक दवा बनाई, ओके ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, और आगे भी देखिएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हम आपसे भी अलविदा चाहेंगे गेस्ट का जिन्होंने देखा, और ऑफकोर्स टफ टाइम्स अहेड, महंगाई के हवाले से, फॉरन पॉलिसी के हवाले से, वी होप फॉर द बेस्ट।